तेरे बच्चों को मैं छोड़ दूंगा, लेकिन एक बार मेरी बाहों में आ जा, मेरी बाहों में आ जा, नहीं तो तेरे सामने तेरे दोनों बच्चों को काट करके फेंक दूंगा मैं। नंबर एक और नंबर दो। या भगवान, आज तूने मुझे कैसे मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया है। मैं ऐसे में करूं भी तो क्या करूं? एक तरफ मेरी इज्जत और मेरी मान सम्मान, और दूसरी तरफ मेरे बच्चों के प्राण। ऐसे में मैं करूं भी तो क्या करूं? मुझे समझ में नहीं आता कि मैं अपनी इज्जत बचाऊं या अपने बच्चों के प्राण। तो एक बार मेरी बाहों में आ जा, आ जा, तेरे दोनों बच्चों को समझो मैंने छोड़ दिया। अरे सोच, जो सुख मैं दे सकता हूं वो सुख तेरा पति नहीं दे सकता। और एक बार की तो ही बात थी, हमारी बाहों में आ जा, हमारे दिल का कलेश दूर हो जाए। नंबर एक और नंबर दो। और मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, बस मेरे बच्चों को छोड़। तो आ जा मेरे पास, आ जा। आज सजा ऐसी
दूं तुझको ना अब तक कोई दिया है। आज सजा ऐसी दूं तुझको ना अब तक कोई दिया है। से मारू दिल में खाली लिया और यार तुझे मैं जान से मारू दिल में खाली इसीलिए मेले के अंदर तेरा दिल नहीं लग रहा था। दुर्गा सिंह से मिलने का वादा किया था, दुर्गा सिंह से प्यार करती है। मैंने कुछ नहीं किया प्रहलाद, मुझे चमक कर दीजिए। हरामजादी, अब तो मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा हरामजादी। मैंने कुछ भी नहीं किया, आज मैंने जो कुछ भी किया है सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए किया है। इन बच्चों को प्राण को बचाने के लिए तूने इतना बड़ा वो किया है और मेरे प्यार को ठुकरा दिया है। तेरे प्यार में कौन सी ऐसी कमी मैंने किया है जो तूने मेरे साथ बेवफाई किया है और इतना बड़ा धोखा तूने मुझे दिया है। प्रहलाद, आज उस ऊपर वाले ने मुझे ऐसे बोर्ड पर ला करके खड़ा कर दिया कि मैं करती भी तो क्या प्रहलाद। एक तरफ मेरी मान सम्मान व मेरी इज्जत और दूसरी तरफ मेरे बच्चों के प्राण। प्रहलाद, आप क्या समझेगी प्रहलाद, एक माँ का दर्द बस एक माँ ही समझ सकती है। प्रहलाद, मेरे सामने महामती दुर्गा सिंह ने दो रास्ते दिए। एक तरफ मेरी मान सम्मान व मेरी इज्जत और दूसरी तरफ मेरे बच्चों के प्राण। तो प्रहलाद, फिर आप ही सोचिए कि जब एक माँ के सामने ऐसे दो ऑप्शंस हो, केवल ऐसे दो रास्ते हो, तो एक माँ कौन सा रास्ता चूज कर सकती है, कौन सा रास्ता चुनेगी एक माँ। तो प्रहलाद, मैंने आज जो कुछ भी किया है वो मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के प्राण के लिए किया है। अरे चुप राम, तूने मेरे साथ बेवफाई का नाटक कर रही है हराम जादी। तो मंत्री दुर्गा सिंह से प्यार करती है और मुझे त्रिया चरित पढ़ाने आई है, मुझे त्रिया चरित पढ़ा रही है। हराम छाती कुतिया, ये नाजायज औलाद
ये नाजायज औलाद है, ये गंदे खून हमारे नहीं हो सकते हैं। जब तू मेरे साथ ऐसी घिनौनी हरकत कर सकती है, तो ये बच्चे और किसी के क्यों नहीं हो सकते? जब तू मुझे नहीं हो सकी है, तो ये गंदे खून हमारे क्या होंगे? आज देख, तेरी आंखों के सामने मैं इन दोनों बच्चों को मौत के घाट नहीं प्राण। ठीक है, अगर इन बच्चों से तुझे इतना प्यार है, तो उठा इन बच्चों को और दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से। राम शादी मारने से त्यागना ही ठीक होता है। जब तू तर बदर की ठोकरे खाएगी, तब तुझे सेनापति निर्भय सिंह की याद आएगी और फिर यही सोचेगी कि बिना पति के पत्नी का जीवन कैसे होता है। निकल जा मेरी आंखों के सामने से। प्रहलाद, भगवान के लिए ऐसा मत करिए। इतनी बड़ी दुनिया में आपके सिवा आखिर मेरा है ही कौन? मैं इन दोनों बच्चों को लेकर के कहाँ की दर बदर के ठोकरे खाओगी? प्रहलाद, मुझे मत निकालिए। प्रहलाद, कहीं भी जाकर तू मर जा, तो अपनी मनहूस सूरत ठीक है। प्रहलाद, अगर आप यही चाहते कि मैं आपको छोड़ करके चली जाऊं, तो मैं अपने बच्चों के लिए आपको छोड़ करके चली जाऊंगी। प्रहलाद, मैं तेरी सूरत को भी नहीं देखना चाहता हूँ। साथी तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा कौन मेरा दूजा है? Thank you.
राम साथी दुर्गा शिव, तूने मेरी हरी भरी दुनिया उजाला है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा दुर्गा से। तो कहां को भाग कर जाएगा तू? ज्यादा से ज्यादा महाराज के राज दरबार जाएगा और ये सेना पद निर्भय से तुझे राज दरबार में घुस कर मारेगा हराम जादे। दुर्गा से मैं तेरे पीछे आ रहा हूं कुत्ते। हराम ज़ादे तू मेरा पीछा कर रहा है, पर मेरा पीछा, और तेरे पहुंचने से पहले ये दुर्गा सिंह महाराज के पास पहुंच जाएगा। और ये शमशीर तेरी है, तेरी ही शमशीर से महाराज का कत्ल करूंगा और हराम ज़ादे फंसाऊंगा तुझे। समाचार है महाराज? प्रजा आपकी खुशहाल है, आपके नाम की जय जयकार हो रही है महाराज। दरबारी जी महाराज, प्रजा का ख्याल रखना। जी हुजूर। क्योंकि मैं अपनी प्रजा को देख नहीं सकता। हाँ महाराज। मुझे बैठा दो। जी और हम चलते हैं बड़े वाले गेट पे, अपनी ड्यूटी देते हैं महाराज। क्या आदेश है महाराज? जा सकते हो। जी हुजूर। महाराज, मैं मिनिस्टर दुर्गा सिंह। कहो दुर्गा सिंह, कैसे आना हुआ? सुनिए महाराज, तो ध्यान देकर सुनाओ। आए महाराज ध्यान देकर सुनाओ। आए महाराज जी जो भी कहता हूँ उसको सुनाओ ध्यान से। ते तुम बहरे अंगूठी और अभी ये घड़ी, वरना अंजाम मुझे बुरा पा। आपके पास जो तिजोरी की चाबी है और मोहरे अंगूठी हमारे हाथों में कहां है? शैतान कहीं का, मैं आपका हो गया तो मेरी अंधी का नाजायज फायदा उठाना चाहता है। तू मोहर अंगूठी मांग रहा है,
अरे भगवान का खोखा। तुझको और मिलेगी सदा और यान ही यान में पटू आता हूं मैं शक से। अरे दरबारी तू कहां है? ये दुर्गा सिंह हमारे शान के खिलाफ आवाज उठा। महाराज तुम्हारी कहानी खत्म हो गई महाराज, और तुम ऊपर वाले पे भरोसा नहीं। दुर्गा नहीं, दुर्गा तू ऐसा नहीं करेगा, तू ऐसा नहीं करेगा। दुर्गा से निकल चलो, कोई आ जाए। निकल हयात जादे दुर्गा सिंह, तू कहां छुप कर बैठा है? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर मर्द है तो बाहर आ दुर्गा सिंह। महाराज कहां है दुर्गा सिंह? उसे मेरे हवाले करो। भगवान महाराज का खून ये किस रामजादे ने किया? मेरे आने से पहले सम्राट का खून, और ये खून हुआ तो मेरी शाही शमशीर से हुआ। इस शाही शमशीर में मेरा नाम लिखा हुआ है। नहीं महाराज, मैं खून करने वाले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। महाराज भगवान अब मुझे यहां से निकल जाना चाहिए, नहीं तो महाराज के मरने का इल्जाम मेरे ऊपर आ जाएगा। इसलिए हमें यहां भगवान का इसने खाया नहीं, शादी तो ले रामलीला बिहारी लाल। सबसे पहले मेरे भैया की लाश ले जाई है। भैया जरा भी रहम नहीं आया, मेरे भाई का खून कर दिया। खून नहीं है दुर्गा, मैंने सम्राट का खून नहीं किया है, बल्कि ये खून मेरे आने से पहले हो चुका। तू झूठ बोलता है। अगर तूने महाराज का खून नहीं किया तो यहाँ से भाग क्यों रहा था? बोल क्यों भाग रहा था? फिर ये खून से भरी शमशीर तेरे हाथों में है, और तू कह रहा है कि मैंने महाराज का खून नहीं किया। कमीने, नहीं राज मलका, तेरा फैसला यहाँ की राज की मलका करेंगी। आइए राज मलका,
आइए आप ही इंसाफ कीजिए, मेरी जिंदगी और मौत तुम्हारे हाथ में। निर्भय सिंह जाने से पहले एक करिश्मा और देखते जाओ, ऐसा करिश्मा तुझे दिखाऊंगा कि तेरा कलेजा फट जाएगा। देखना चाहता है तो देख। अब तू इस बच्ची को तू नहीं मार सकता है, क्योंकि यह बच्ची मेरे मजबूत बाजुओं में आ गई है। अब तू इसका बाल बांका भी नहीं काट सकता। भाई सिंह, ले जा इस हराम की बिल्ली को। तुझे 20 साल की सजा मिली है, और 20 साल की सजा में जब तू जेल की सलाखों में रहेगा तो ये हराम चादी बच्ची को दूध और पानी नहीं मिलेगा। दुर्गा सिंह वही पे तड़प तड़प के मर जाएगी। दुर्गा सिंह, ये तेरी भूल है हराम चादी। जेल के अंदर जब इस बच्ची को दूध और पानी नहीं मिलेगा तो सेनापत निर्भय सिंह इसे अपना खून पिलाएगा। अपना खून पिला के मैं इसका पालन पोषण करूंगा, और एक दिन मैं इसे जहरीली नागिन बनाऊंगा, और इसी बच्ची के हाथों से तुम दोनों का पद होगा हराम चादी। याद रखना, जिस समय तो इसको सयानी करके इस रात दरबार लेकर के आएगा, वादा है कि इसका भी वही हाल होगा जो इसके बाप का और इसकी बहन का हुआ।